उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से जहां धूमधाम से मनाया गया राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का स्थापना दिवस। बता दें कि आज राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के 2 वर्ष पूरे होने के बाद सिविल लाइन स्थित प्रताप सदन पर पहुंचे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थकों ने केक काटकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सरोज के अलावा युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी, MLC गोपाल जी के मीडिया प्रभारी मुक्कू ओझा समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने राजा भैया की पार्टी का नारा बुलंद करते हुए राजा भैया के पक्ष में जमकर नारेबाजी भी की। राजा भैया जिंदाबाद के नारे से पूरा प्रताप सदन गुंजमय हो उठा। हजार 22 को लेकर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने किस तरीके की तैयारी की है, इसकी जानकारी दी हमें युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी ने। पार्टी का स्थापना दिवस है किस तरीके से मनाया गया है और क्या क्या कार्यक्रम किया गया? आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का द्वितीय स्थापना दिवस यहाँ प्रताप सदन कार्यालय में जनसेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय विनोद सरोज, जिला अध्यक्ष रामचल वर्मा सहित विभिन्न कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर केक काट करके और मिठाइयाँ बांट करके और वृक्षारोपण करके द्वितीय स्थापना दिवस मनाया गया। जन संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी जनहित मुद्दों को लेकर के वंचितों शोषितों के लिए काम करेगी और उनके संकल्प के रूप में, माने जनसेवा संकल्प दिवस का मतलब है कि हम जनसेवा करना चाहते हैं, हमारी पार्टी जनसेवा के लिए बनी हुई है, इसलिए जनसेवा संकल्प दिवस के रूप में हमारा द्वितीय स्थापना दिवस मनाया गया। जो पार्टी है क्या आगे चुनाव भी लड़ेगी, क्योंकि अभी आपने शिक्षक स्नातक और MLC स्नातक चुनाव तो नहीं लड़ी पार्टी जी, तो क्या क्या है, क्या वजह क्या रही इसका? चूँकि हमारी अभी पार्टी को 2 ही वर्ष हुए गठन हुए, जो 30 नवंबर को आज के ही दिन लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान में माननीय राजा भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया था, तो इसलिए तैयारियां नहीं हो पाई थी जो भी था, और हम सीधे सीधे मिशन 2022 की तैयारियों में हमारी पार्टी लगी हुई है और मिशन 2022 पूरी तरह से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी UP में हर सीटें लड़ेंगे या कुछ? इसका निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ठीक है।